हेलो एंड वेलकम टू मैं योर लर्निंग हाउ मई डियर एजुकेटर्स वी कॉ नॉ टॉक अबाउट इक्लूसिव एजुकेशन इन सर्टिफिकेशन ऑफ स्पेशल एजुकेशन नीड्स राइट इशूज क्या हैं जब हम सर्टिफिकेशन के लिए जाते हैं फॉर स्पेशल एजुकेशन नीड्स उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे सो हियर यू गो माई डियर एजुकेटर्स विदाउट अ फर्दर डू तो सर्टिफिकेशन करने के लिए स्पेशल एजुकेशन नीड्स की बहुत सारी दिक्कतों का इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है वो कौन सारी हैं सबसे पहले हम बात करेंगे लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है सर्टिफिकेशन के प्रोसेस में सो दिस कैन लीड टू इनकंसिस्टेंसीज इन आइडेंटिफाइंग द मैनेजिंग द स्पेशल एजुकेशन नीड्स स्टैंडर्डाइज नहीं है इसलिए पता नहीं चलता कि जरूरत क्या है कई बारी जो है वो जो डिसेबिलिटी है उसका आइडेंटिफिकेशन टाइमली हो नहीं पाता राइट प्रॉपरली नहीं हो पाता है तो एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है नहीं है राइट तो इस चीज के लिए ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है जिसके कारण डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी उसका सर्टिफिकेशन नहीं हो पाता नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें सर्टिफिकेशन प्रोसेस जो है वो इजी टास्क नहीं है राइट ओके वो क्या है कॉम्प्लेक्स है टाइम कंज्यूमिंग टास्क है मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द पेरेंट्स एंड एडुकेटर्स टू नेविगेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ये करो वो डॉक्यूमेंटेशन यहाँ जाओ उसके सिग्नेचर कराओ ये कराओ वो कराओ बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है सो so, इसके टूल्स भी हैं वो भी लिमिटेड है हमने बात की पहले तो लिमिटेड टूल है स्टैंडर्डाइज भी नहीं है तो लिमिटेड असेसमेंट टूल्स या असेसमेंट के जो प्रोसेस हैं कई बार वो कल्चरली अप्रोप्रिएट नहीं है यानी लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है जिसके कारण आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता है बायसनेस आ जाती है

आइडेंटिफिकेशन एड्रेसिंग ऑफ स्पेशल एजुकेशन नीड्स के बहुत बहुत समय लग जाता है रिजल्ट्स आने में चेक करने में प्रोसेसिंग बहुत लंबा है ठीक है उसकी वजह से जब टाइमली आपके पास वो सर्टिफिकेशन नहीं आ जाता उसका यू रिक्वायर अ स्पेशल नीड या आपके बच्चे को या नेबरहुड में सिबलिंग को किसी को जरूरत है तो उतनी देर में बहुत समय भी बीत चुका होता है फाइनेंशियल कंसटेंट की बात करें तो ये टेस्ट हैं बहुत ही कंज्यूट जो है वो फाइनेंस मांगते हैं रुपया पैसा खर्चा बहुत ज़्यादा होता है इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो लो इनकम एरियाज में जो रहने वाले लोग हैं या लो इनकम फैमिलीज हैं उनके लिए ये बहुत मुश्किल वाली बात है एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो सर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है छोटे छोटे रिमोट एरिया में या ऐसी जगह पर इसकी अवेलेबिलिटी नहीं अगला एक इशू जो है कॉर्डिनेशन है कि कॉर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट प्रोफेशनल्स जो है वो बहुत ही रिक्वायर्ड में रिक्वायर्ड है सर्टिफिकेशन प्रोसेस के लिए किन किन बॉडीज में अगर हम बात करते हैं कि साइकोलॉजिस्ट हैं एजुकेशनिस्ट हैं या पेरेंट्स हैं सारी बॉडीज में जो है वो डिफरेंट पीपल जो हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो उसमें इन्वॉल्व हैं उनमें कोऑर्डिनेशन जरूर चाहिए ताकि एक कॉम्प्रीहेंसिव व्यू मिल सके अगर जब ये कॉर्डिनेशन नहीं होता है अगेन देन इशूज क्रिएट होते हैं और उसका डिटेक्शन नहीं हो पाता कि स्पेशल नीड क्या है बच्चे की टाइम कंस्ट्रेंट की बात करेंगे टाइम लाइन फॉर सर्टिफिकेशन कैन बी अ कंसर्न पर्टिकुलरलीफ डिलेज इन द प्रोसेस रिजल्ट इन डिले इन रिसीविंग अप्रोच

कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है दो नंबर पे मैंने लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है राइट right? और उसमें जो uh, जो है 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 वो लिमिटेड लिमिटेड असेसमेंट टूल तीसरे नंबर पर लिखा है। पहले है और दूसरी बात वो स्टैंडर्डाइज नहीं है जो पहले नंबर पर लिखा है और जहां पर भी होता है बायसनेस आ जाता है कई बार क्लैरिटी नहीं आ पाती फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं सबको एक्सेसिबल नहीं है कोऑर्डिनेशन नहीं है प्रॉपर और टाइम कंस्ट्रेंट्स है और इसके अलावा मल्टी डिसिप्लिन सर्टिफिकेशन जो है कई बार सबसे सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है बहुत ही उलझा हुआ राइट गुंजलदार जो प्रोसेस है तो इस चीज के लिए ये सारे इसके जो है वो कंसर्न जो है वो इश्यूज हैं राइट टू स्टेटरिंग नो मोर अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अदर टू डू शेयर थैंक आई से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयरिंग द मेटोर्स